एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। हमने हमेशा बात की है किस तरीके से हम अपनी बॉडी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करें, बट आज हम सेकेंड बाज वर्ड जो है इन्फ्लेमेशन, उसके बारे में बात करेंगे। इन्फ्लेमेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना चाहिए हमें, तो आज मैं आपके साथ 5 सुपर फूड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करेगा और आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज करेगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से 5 फूड्स हैं, बट मैं आपको बता दूं इनको मैंने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मैं आपके साथ एक फ्रूट, एक वेजिटेबल, एक ऑयल, एक स्पाइस और एक ड्रिंक डिस्कस करूंगी। आप इन सुपर फूड्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करें अगर ये आपको सूट करते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहला फूड वो है पोमोग्रेनेट। जी हाँ, अनार। अनार बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड है जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इनफैक्ट जिन लोगों की बॉडी में एक्सेस एस्ट्रोजन बनता है उनके लिए भी पोमोग्रेनेट बहुत यूजफुल है। फीमेल जिनको PCOD है या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है या आपके डिफिकल्ट मेनोपॉज में भी पोमोग्रेनेट बहुत बहुत यूजफुल है। गट के लिए हम हमेशा जानते हैं पोमोग्रेनेट नंबर 1 फ्रूट है। आप इसे डे में किसी भी टाइम पे कंज्यूम कीजिए, पर ज़रूर कंज्यूम कीजिए। नंबर 2, मशरूम्स। जी हाँ, मशरूम एक मैजिकल फूड है। इनफैक्ट ये इसमें सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक फूड की आइटम में होनी चाहिए। इसमें आपका विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, फाइबर है, आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी है। तो कभी भी आप मशरूम्स को मत भूलिए। अगर आपको एलर्जी है मशरूम से तो बिल्कुल मत कंज्यूम कीजिए, क्योंकि जो चीज़ सूट करती है बॉडी को वो ही यूज़ करनी चाहिए, वो ही आपको कंज्यूम करना चाहिए। पर मशरूम्स अगर सूट करते हैं तो वीक में 2-3 टाइम्स आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बना रखी है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। नंबर 3 है हमारे लिए ऑयल। ऑयल में हम यूज़ करेंगे वर्जिन कोकोनट ऑयल। जी हाँ, कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मदर मिल्क में होती हैं। इसमें आपके पास लॉरिक एसिड है, कैप्रिक एसिड है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है ह्यूमन बॉडी की नरिशमेंट के लिए। आप कोकोनट ऑयल कैसे यूज़ कर सकते हैं, आप रॉ भी ले सकते हैं, आप 1 टीस्पून ले सकते हैं या 1/2 टेबल स्पून रॉ कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं, इडली, आप डोसा या उत्पम में यूज़ कर सकते हैं, या आप इसको सैलड की ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, बट डीप फ्राई नहीं करेंगे आप कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल, क्योंकि जब भी अगर आप डीप फ्राई करेंगे तो जो भी कोल्ड प्रेस ऑयल होता है वो आपके लिए बहुत अनहेल्दी हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइस। इसमें आएगी आपकी गोल्डन टर्मरिक। टर्मरिक के बारे में हम सब जानते हैं कि टर्मरिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनफैक्ट कैंसर के जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को रोकता है, कोई ट्यूमर, अनवांटेड ट्यूमर है उसकी ग्रोथ को भी वो रोकता है। तो टर्मरिक ज़रूर इंक्लूड करें, लेकिन पर जिन लोगों को कोई मेडिसिन पे हैं, खासकर एलोपैथिक मेडिसिन पे हैं या आप कोई ब्लड थिनर ले रहे हैं तो वहाँ पे आप ज़रूर एक बार चेक कीजिए कि आप टर्मरिक बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। इसके अलावा आप हमेशा टर्मरिक बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, फूड में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको वाटर में भी थोड़ा बॉयल करके उसके अंदर आप दूध डालिए, हल्दी वाला दूध जो टर्मरिक लाटे बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है बॉडी के लिए, बच्चों के लिए। और लास्टली जो मैं कवर करने वाली हूँ वो है आपके लिए ग्रीन टी। जी हाँ, ग्रीन टी डे में एक बार ज़रूर लीजिए। मैं आपको पैक्ड ग्रीन टी के बारे में नहीं बोल रही, जो ग्रीन लीव्स होती हैं उसे आप बॉयल कीजिए वाटर में, जैसे तुलसी की लीव्स हो गई उनको आप ज़रूर बॉयल कीजिए और उसको उसकी चाय बनाइए और उसको कंज्यूम कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी, इम्यूनिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि ग्रीन टी प्रूवन है मेडिकली और साइंटिफिकली। वो आपके हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल गट के लिए, हर बॉडी पार्ट के लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने ये जो 5 सुपर फूड्स बताए इसके साथ आपको और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज, आपकी क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए और साथ में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट नहीं होने चाहिए। अगर आप ये सारी बातें इनकॉर्पोरेट करते हैं इन सुपर फूड्स के साथ
तो आप देखेंगे कि आपको इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, दैट्स फॉर श्योर। तो इन सारी बातों को ध्यान रखें और बी हेल्दी एंड बी फिट। थैंक यू सो मच।